आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पीएम मोदी को धमकी भरी चिट्ठी लिखने वाले आरोपी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स की पहचान जेवियर के रूप में हुई है। जेवियर ने केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन को भेजे खत में जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा था, मोदी का हाल राजीव गांधी जैसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को 2 दिन के केरल दौरे पर कोची जा रहे हैं। कोची पुलिस कमिश्नर सेतु रमन के मुताबिक जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के खिलाफ धमकी भरा पत्र भेजा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जेवियर ने निजी दुश्मनी के कारण अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए यह खत लिखा था। जेवियर ने चिट्ठी में एनजे जॉनी के साइन किए थे और नीचे फोन नंबर लिखा था। पुलिस ने जॉनी से पूछताछ की तो उसे चिट्ठी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन पड़ोसी जेवियर से झगड़े की बात मानी। एनाकुलम में कथरीकादुआ में रहने वाले जेवियर को पुलिस ने हैंडराइटिंग की पुष्टि के बाद गिरफ्तार किया है। इधर प्रधानमंत्री के कोची पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके लिए 2060 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री के आने जाने वाले रूट पर दोपहर 2 बजे से ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। आयुक्त ने आगे कहा, प्रधानमंत्री के रोड शो में 15,000 और यूएम 23 इवेंट में 20,000 लोगों के आने की उम्मीद है। यूएम 23 में आने वाले प्रतिभागी केवल मोबाइल फोन ला सकेंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।